असल का इज़ वेलकम टू बाइक तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है कंपैरिजन और आज का हमारा जो कंपैरिजन है वो यामा वाई बी और होंडा के सी बी वन टू फाइव एफ़ के दरमियान है दोनों मोटरसाइकल्स टकराव के मोटरसाइकल्स हैं और दोनों मोटरसाइकल्स में आपको क्या क्या चीज़ें बेहतरीन मिल रही हैं दोनों मोटरसाइकल्स के प्रोज कॉन्स दोनों में से कौन सा आपको परचेज करना चाहिए तो आज मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताऊंगा दूसरा आपको इन दोनों की प्राइजेस भी बताऊंगा तो टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो हम शुरू करेंगे वाई से और वाई की लुक इस वक्त आपके सामने है वाई की कम्पलीट स्पोर्टी लुक आपको मिल जाती है जो कि यंगस्टर्स को काफी अट्रैक्ट करती है अब अगर हम बात करें कि हम थोड़े एज लोगों की बात करें तो उन लोगों के लिए लुक इतनी मैटर नहीं करती लेकिन हम यंगस्टर्स के लिए ये लुक बहुत जबरदस्त है बाकी मोटरसाइकिल के अंदर फ्रंट बैक साइड लुक मोटरसाइकिल की बहुत ज़बरदस्त है इसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं होंडा सी बी वन टू फाइव एफ़ को तो होंडा सी बी वन टू फाइव एफ़ की जो लुक है वो नॉर्मल है आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं वाई बी आर के साथ तो वाई बी आर के मुकाबले में इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं है इसके बाद अगर हम आए फीचर्स की तरफ तो फीचर्स में वाई बी आर के अंदर आपको आर पी एम स्पीडोमीटर फ्यूल गेज गेर इंडिकेटर तमाम चीज़ें इसके मीटर के अंदर इंस्टॉल मिलेंगी इसकी जो असेंबलीज हैं उसमें किल स्विच आपको मिसिंग मिलता है उसके अलावा आपको डिपर मिसिंग मिलता है बाकी हेडलाइट ऑन ऑफ आइल ओ वगैरह इसके अंदर अवेलेबल है दूसरी तरफ अगर हम देखें होंडा के सी बी वन टू फाइव एफ को तो होंडा सी बी वन टू फाइव एफ के अंदर आपको तमाम चीजें मिल रही हैं जिसमें आर पी एम है स्पीडोमीटर है फ्यूल गेज ट्रिप मीटर वगैरह इसके अंदर अवेलेबल आपको मिल जाता है उसके अलावा अगर हम देखें इसके असेंबलीज़ को तो असेंबलीज में आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल रहा है जो कि आपको वाइवर के अंदर ही मिल रहा था उसके अलावा किल स्विच और डिपर इस मोटरसाइकिल के अंदर भी आपको मिसिंग मिलता है और बाकी चीजें इसके अंदर आपको अवेलेबल मिलती हैं हेडलाइट ऑन ऑफ वगैरह वो इसके अंदर अवेलेबल है अब दोनों के अगर टैंक्स को देख लें तो वाइबीआर का टैंक इस वक्त आपके सामने है वाई का टैंक आपको थोड़ा सा स्पोर्टी मिल जाता है और अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर लीजिए तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल जाती है वो कम अज कम चालीस तक है फोर्टी तक आप इससे इजिली एवरेज अचीव कर सकते हैं अगर आपका मोटरसाइकिल प्रॉपरली है तो अगर मोटरसाइकिल में कोई मसला है इंजन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है तो मोटरसाइकिल फिर आपको एवरेज तीस पैंतीस तीस पैंतीस तक देगा लेकिन अगर अगर आपका मोटरसाइकिल प्रॉपरली मेंटेन है तो आपको कम से कम चालीस इजीली मिलेगी आप जैसे मर्जी चलाएं मोटरसाइकिल को इसके बाद अगर होंडा सी बी की बात की जाए तो होंडा सी बी का जो आपको टैंक मिल रहा है इसका डिजाइन आपके सामने है नॉर्मल uh, डिजाइन है बाकी अगर हम बात करें इसकी पेट्रोल एवरेज की तो इस मोटरसाइकिल से इजीली आपको 35 तक एवरेज मिल जाती है मिनिमम अगर आपका मोटरसाइकिल प्रॉपरली मेनटेंड है तो आप 35 तक इजीली एवरेज अचीव कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल से इसके बाद अगर हम आए दोनों के इंजन की तरफ तो वाइवियर का जो आपको इंजन मिल रहा है ये ओ एच सी बैलेंसर इंस्टॉल है इस इंजन के अंदर बाकी इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये वन ट्वेंटी फाइव सी सी इसकी डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाती है और इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बेटर बेस्ड इंजन मिल रहा है अगर हम बात करें दूसरी तरफ होंडा की तो होंडा सी वी के अंदर आपको सिंपल कार्बेटर वाला इंजन मिल रहा है ओ एच इंजन है और इसमें कोई बैलेंसर इंस्टॉल नहीं है अब दोनों के अगर फर्क की बात करें तो ओ एच वी इंजन जो है वो आपको बेहतरीन पावर दे देता है लेकिन उसके साथ साथ आपको वाइब्रेशन भी फिर ज़्यादा मिलती हैं लेकिन ओ एच सी इंजन जो है उसमें आपको वाइब्रेशन कम मिलती हैं उस हिसाब से पावर भी कम हो जाती है उस इंजन के अंदर अब ओ एच सी इंजन के साथ साथ वाई बी आर के अंदर आपको बैलेंसर इंस्टॉल मिल रहा है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की वाइब्रेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं आप साठ सत्तर की स्पीड में या इसे जब ज़्यादा स्पीड आप अचीव करते हैं उस वक्त आपको वाइब्रेशन कुछ फील होती है मोटरसाइकिल के अंदर लेकिन होंडा की अगर बात की जाए तो होंडा के अंदर आपको वाइबेशन जो हैं वो पहले से ही पता लगने लग जाती हैं यानी कि आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने के बाद आप बीस की स्पीड में तीस की स्पीड में मोटरसाइकिल को अगर चलाएं तो आपको वाइब्रेशन काफ़ी मिल जाती है उस हिसाब से अगर आप स्पीड बढ़ा देते हैं तो ज्यादा बढ़ाने से आपको वाइब्रेशन ज्यादा फील होती है दोनों मोटरसाइकिल्स की अगर ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो वाइबेयर के अंदर जो आपको ब्रेकिंग मिल रही है उसमें आपको फ्रंट पे सिंगल पिशन कैलिपर की डिस्कब्रेक मिल जाती है और बैक पे ड्रम ब्रेक अवेलेबल है दूसरी तरफ अगर हम देखें होंडा के अंदर तो होंडा में आपको डोल पिशन कैलिपर की डिस्ब्रेक मिल रही है बैक पे ड्रम ब्रेक मिल रही है अब मैं डिस्क ब्रेक में जाहिर सी बात है डोल पिशन कैलिपर की डिस्प्रेक आपको बेहतर मिलेगी ये भी डिपेंड करेगा चलाने वाले के ऊपर चलाने वाले को डिस्क ब्रेक मारने आती है तो वो सिंगल पिस्टन कैलिपर को भी बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकता है अगर आप डोल पिस्टन कैलिपर की बात करें तो मेरे ख्याल में डोल पिस्टन कैलिपर की जो डिस्क ब्रेक है वो बेहतर है और होंडा के अंदर आपको बेहतर ब्रेकिंग मिल रही है वाई बी आर से इसके अलावा टायर्स भी आपके सामने हैं दोनों में से मैं कहूंगा कि वाई बी आर के अंदर आपको जो टायर्स मिल रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है इसके बाद अगर हम देखें दोनों मोटरसाइकिल्स के कंफर्ट को तो जैसा कि मैंने आपको पहले इंजन के अंदर बताया इंजन आपको होंडा का जो मिल रहा है वो ओ एच वी मिल रहा है जबकि वाइबियर का इंजन आपको ओ एच सी मिल रहा है साथ में बैलेंसिंग इंस्टॉल है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की वाइब्रेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है तो एक चीज़ ये जो है कम्फर्ट को बेहतर करती है दूसरा अगर हम बात करें शॉक्स की तो दोनों मोटरसाइकिल्स के जो शॉक्स हैं वो अच्छे लगाए गए हैं तो इस हिसाब से कंफर्ट में शॉक्स की वजह से जो प्रोड्यूस होती है वो दोनों में मैं सेम रखूंगा अगर हम बात करें सीट की तो सीट भी दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर अच्छी लगाई गई है तो सीट वाइज भी जो कंफर्ट बनती है वो मैं दोनों की सेम रखूंगा लेकिन जो फर्क आ जाता है वो इंजन के अंदर से आ जाता है ओ एच वी इंजन वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस करता है ओ एच सी इंजन जो है वो कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वाई बी आर जो है वो ओवरऑल कंफर्ट में बेहतरीन है बनिस्पत होंडा के सीवी वन टू एफ के अब इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट्स अवेलेबिलिटी की तो पार्ट्स आपको दोनों मोटरसाइकिल्स के ही अवेलेबल मिलेंगे कोई मसला नहीं है पार्ट्स का पार्ट्स का इशू आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में से अगर कहीं पर मिला भी तो मेरे ख्याल में होंडा का जो सी बी वन है उसमें थोड़ा बहुत इशू मिल सकता है क्योंकि ये होंडा का सी बी वन जो है ये थोड़ा सा नया मोटरसाइकिल है जबकि यामह का जो वाबी आ रहा है ये आपको थोड़ा सा पुराना मिल जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें दोनों के मैकेनिक्स की तो दोनों के मैकेनिक्स आपको सर्टिफाइड इजीली अवेलेबल मिलेंगे आप किसी से भी इसकी ट्यूनिंग करवा सकते हैं इसके अंदर कोई खास ऐसा इंजन नहीं लगा हुआ कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है बाकी अगर हम बात करें दोनों की क्वालिटी की तो दोनों में से क्वालिटी किसकी बेहतरीन है मैं कहूँगा कि दोनों की क्वालिटी सेम है होंडा ने अपनी तरफ से होंडा को अच्छा बनाया है और यम्हा ने अपनी तरफ से वाई को बेहतरीन बनाया है तो दोनों की क्वालिटी में मैं कोई इतना खास डिफरेंस नहीं देख रहा तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि दोनों की क्वालिटी सेम है फर्दर अगर हम बात करें प्राइस की तो दोनों मोटरसाइकिल्स की प्राइस मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले बात कर लेते हैं यमहा वाई की तो का जो वाइबीआर आपको मिल रहा है चार लाख छियासठ हजार रुपए है और अगर हम बात करें होंडा की तो होंडा सीबी वन टू फाइव एफ की जो आपको प्राइस मिल जाती है वो है थ्री लैख नाइनटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज तीन लाख नब्बे हजार नौ सौ रुपए इसकी प्राइस है अब दोनों का प्राइस डिफरेंस आपके सामने है प्राइस डिफरेंस काफी है दोनों के अंदर अब दोनों में से कौन सा मोटरसाइकिल आपको परचेज करना चाहिए अगर आपके पास तीन लाख नब्बे हज़ार रुपये जेब में है और आप कोई मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं तो मैं कहूंगा कि आप यूज़ में यमह का वाई बी परचेज कर लें वो आपके लिए बेहतर होगा बनस्पत आप इसके कि तीन लाख नब्बे हज़ार रुपये लगाकर आप होंडा का सी बी वन टचेज करें अब इसकी जो रीजनस हैं वो मैंने आपको पहले ही दे दी है जैसे कि कंफर्ट आपको वाई के अंदर बेहतर मिल रही है पेट्रोल एवरेज आपको वाई के अंदर बेहतर मिल रही है लुक आपको वाई के अंदर बेहतर मिल रही है अब लुक जो है वो एक तरह से आप उसको स्किप भी कर सकते हैं बाकी अगर हम पावर का कंपैरिजन करें तो पावर वाइज आपको होंडा बेहतर मिलता है तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको वाई में बेहतर मिल जाती हैं बनस्पत होंडा के जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप, आप परचेज़ करें यमह का वाई अब अगर आप पावर कॉन्शियस हैं तो पावर कॉन्शियस में भी मैं आपको बता दूं कि होंडा सी बी वन टू फाइव एफ़ और वाई के मुकाबले में होंडा सी बी वन टू फाइव एफ़ तो विनर होगा लेकिन बहुत ज़्यादा गैप के साथ नहीं ये नहीं होगा कि वाई बी आर जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है और होंडा पहले ही रेस को विन कर गया इस तरह नहीं होगा गैप जो है वो आपको सिर्फ नेक एंड नेक ही मिलेगा बहुत ज़्यादा पावर का मसला नहीं है सो so गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनो को लाज सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़